स्टूडेंट से गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आई होप यू ऑल आर सेइंग. लेट्स प्रोसीड पार्ट्स ऑफ स्पीच वी कॉल इन हिंदी शब्द भेद. आप सब अपने प्रीवियस क्लास में जो पिछले बीते हुए कक्षाएं रही हैं बहुत बार शब्द भेद पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा. प्रिंसिपल सर ने भी एक्सप्लेन किया था, उसको भी आपने सुना होगा. कुछ हम भी अपने बातों को आज इस पर रखना चाहेंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच. वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस. इट मीन्स हिंदी में कह लेंगे प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों या वर्गों में बांटा जाता है. अर्थात किसी वाक्य में उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार उन्हें विभाजित किया जाता है. मतलब क्या है, शब्द जो होते हैं किसी भी वाक्य के, जो शब्द होते हैं वे भिन्न भिन्न भागों और वर्गों में बटे होते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार उन्हें हम विभाजित करते हैं. तो हमें इंग्लिश स्पीकिंग में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही गहराई से जानना अति आवश्यक है. यदि हम तीन कैटेगरीज होती है इंग्लिश ज्ञान को, हम ग्रामर को जानने के लिए तीन कैटेगरीज होती हैं. पहला कैटेगरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा कैटेगरी है ट्रांसलेशन, और तीसरी कैटेगरी में आपका वोकैबुलरी, वर्ड पावर और बहुत सारी चीज़ें, राइटिंग स्किल इत्यादि आती हैं. तो आज हम पहला पार्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे. तो लिसन चिल्ड्रेन, द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 in number. इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है. आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, 8 भागों में शब्द भेद को विभाजित किया जाता है. पहला नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा हम बुलाते हैं. दूसरा प्रोनाउन, जिसको हिंदी में सर्वनाम बुलाते हैं. तीसरा वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं. चौथा एडजेक्टिव, जिसको विशेषण बोलते हैं. पांचवा एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण हिंदी में बोलते हैं. छठा प्रीपोजिशन, जिसको संबंध सूचक अव्यय बोलते हैं. सातवां कंजंक्शन, जिसको समुच्च बोधक अव्यय बोलते हैं. और लास्ट जो आठवां है वह इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय. ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. उनके बहुत सारे डिटेलिंग होते हैं. नाउन की बहुत सारी डिटेलिंग है, प्रोनाउन की बहुत सारी डिटेलिंग है. यदि हम उन डिटेलिंग्स को जान लेते हैं तो हम इंग्लिश स्पीकिंग हमारी बहुत ही स्ट्रांग हो सकती है. हमारा ज्ञान ग्रामेटिकल पोर्शन का बहुत ही डीप हो सकता है. और आगे एक एक करके मैं हर एक विषय पर, 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उस पर हम चर्चा करेंगे. ओके, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. थैंक यू.